नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से शिक्षा बचाओ अभियान का शंखनाद एनआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने किया। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुलभूषण ने मीडिया से बातचीत करते हुए मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लाखों प्राइवेट स्कूल संचालकों को 7 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटने का आह्वान किया। भारत ही विश्व का एकमात्र देश है जहां प्राइवेट स्कूलों को पब्लिक स्कूल कहा जाता है। पब्लिक जहां सार्वजनिक रूप से लूटी जाती है और उसे पब्लिक स्कूल कहना कितना मुनासिब है, इस सवाल पर अब मोर्चेबंदी हो चुकी है। 7 अप्रैल को जब शिक्षा बचाओ अभियान है उसके लिए समर्थन जुटाना है और अधिक से अधिक लोगों को अपील करनी है कि शिक्षा बचाओ अभियान में शामिल हो ताकि चाइल्ड सेंटर्ड जो पॉलिसी हम सरकार से बनवा सके और हर बच्चे को 2500 रुपए का एजुकेशन वाउचर दिला सके ताकि वह सम्मान से प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सके और उसको गुणात्मक शिक्षा मिल सके, उसको किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। अभी उसके पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारी ये मोदी जी से मांग है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि हर बच्चे को 2500 रुपए का उसका शिक्षा का हक एजुकेशन वाउचर के रूप में दिया जाए ताकि अंतिम से अंतिम बच्चों तक शिक्षा का हक राइट टू एजुकेशन पहुंच सके। मांग है कि सीधा बच्चों को एजुकेशन वाउचर दे ताकि गरीब व्यक्तियों को भी पता लगे और ये हक सिर्फ गरीब का नहीं 100% लोगों का हक है, जैसे विदेशों में दिया जाता है। उनके टीचर्स को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का, टीचर और अभिभावक भी जुड़ रहे हैं। दूसरा जो ये वातावरण स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स में डाल दिया गया कि घटना कोई करे और इनको जेलों में ठूसा जा रहा है, ये अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी बहनों और बेटियों को जेलों में नहीं जाने देंगे, उनका सम्मान बहाल करवाकर छोड़ेंगे। इन सभी चीजों के लिए 7 अप्रैल को सभी स्कूल संचालक, अध्यापक और प्राचार्य मिलकर रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं, 1 लाख की संख्या में जुटेंगे और पूरे देश में इस दिन प्राइवेट स्कूल बंद रहे। एक सवाल आपसे है कि अभिभावकों का जो शिक्षकों के या शिक्षा संचालकों के प्रति जो एक सम्मान का बोध होना चाहिए वो कम क्यों हो रहा है? आज आपको अभिभावकों को जोड़ने की याद आ रही है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, अभिभावक हमारे पास जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये समस्या है। चूंकि अभिभावक को आपके यहाँ पढ़ाना है इसलिए अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए आपके यहाँ भेजेंगे, लेकिन जिस प्रकार हॉस्पिटल्स को लोग समझते हैं कि लुटेरों का अड्डा है, वैसा ही मीडिया में देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पे खिलाफ आ रही हैं, इस पर आप बताएं। देखिए, इसीलिए ये दिक्कत कहाँ आ रही है कि अभिभावक के पास उतना पैसे से फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है, वो स्कूल में जाना चाहता है लेकिन शिक्षा जैसे कॉस्टली होती जा रही है, आज नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, उनको फैसिलिटीज चाहिए अभिभावकों को, तो वो थोड़ा सा उनको जब महंगा पड़ रहा है तो ये थोड़ा सा विद्रोह की स्थिति आ रही है। और अगर गवर्नमेंट इसमें नहीं, वो विद्रोह की स्थिति क्यों आ रही है? आपको फीस देने में उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्कूल संचालक किताब वालों से पैसा ले रहे हैं, कॉपी वालों से पैसा ले रहे हैं, फॉर्म भरवाने का पैसा ले रहे हैं, इस सब बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं? स्कूल वाले कॉपी वाले से पैसा नहीं लेते, ये तो बिल्कुल गलत प्रचार जाता है। मैं हजारों स्कूलों को, लाखों को मिल चुका हूँ कॉपी वाले का, किताब की बात, स्कूल वालों ने लिस्टें लगा दी है जहां से उनका मन चाहे वहां से किताब ले। यही तो डॉक्टर बोलते हैं कि दवा जहां से लेनी ले लीजिए, मगर उनके अपने एजेंट हैं। एक बात सुनिए, बनारस में कई दर्जन दुकानदारों को मैं बता सकता हूं जहां से विद्यालयों की किताबें बिकती हैं, स्कूल संचालक वहां लिस्ट भेजते हैं और सीशन शुरू होने से पहले उनसे पैसे का सौदा हो जाता है, और यही वो लोग हैं। पूरा सवाल, अभी हैदराबाद में यहां के दर्जन भर स्कूलों को वहां पुरस्कार दिया गया, क्यों दिया गया? वो भी किताब संचालक ही था, विक्रेता था, जिसने कि उनकी अधिक से अधिक किताबें भी, इसलिए तो काम, इसीलिए आप लोग सभी खराब हो रही है। आजकल डिजिटल इंडिया का मामला है, आप ऑनलाइन भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, घर पे किताबें आ जाएंगी, लोग अपने जो है स्वेटर, नहीं इस सवाल पर जवाब दीजिए, टी शर्ट वगैरह भी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, अगर स्कूल ने डिस्प्ले कर दिया है उसपे पब्लिशर का नाम भी है, आप उसको अपना ऑर्डर डिस्प्ले कर दे, भेज दे, वो आपके घर भेज दे। ये सवाल तो बचाव वाला है, नहीं स्कूल की जिम्मेदारी ये नहीं कि वो 25 दुकानों में जाके किताबें वो रखवाएगा फिर वो कहेंगे 25 से सेटिंग कर ली। देखो फिर अगर ऐसा इंतजाम आएगा तो वो कहेंगे 25 से नहीं, यही तो सेम डॉक्टर करते हैं कि वो अपनी दवाएं लिखते हैं, सेम स्कूल कर रहा है, इसको क्यों नहीं स्वीकार आप करते हैं? देखो किताबें तो सिलेक्ट करने की अटोनॉमी तो स्कूल के पास ही होगी कि उसको किस तरह की, ये अटोनॉमी से मैं बिल्कुल जी मुकर नहीं रहा हूँ कि उसको किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना, ये अटोनॉमी अगर छीन ली जाएगी
तो इसका बहुत भारी नुकसान पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा। लेकिन किताबें दुकानों पर रखवाना हमारा काम नहीं है, अगर किसी भी दुकान बिचवाना आपका काम है क्या? ना, हमारा बिचवाना भी काम नहीं है। पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मधोक, पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक ने पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक के द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता में मीडिया के द्वारा लगातार प्राइवेट स्कूलों को लुटेरा डाकू लिखे जाने पर कड़ा एतराज जताया गया। डॉक्टर मधोक ने स्कूल संचालकों के द्वारा किताबों, कापियों और ड्रेस के नाम पर दलाली के सवाल पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ऐसे विद्यालयों की खबर नाम के साथ प्रकाशित करे, एक मान्यता की आड़ में फार्म भरवाने के नाम पर करोड़ों की वसूली के सवाल पर डॉक्टर मधोक के बगल में बैठे राज इंग्लिश स्कूल के संचालक डॉक्टर हरिओम बगली झांकते नजर आए, क्योंकि उनका कारनामा जग जाहिर है और वे पदाधिकारी भी हैं। अगर स्कूल ने बोर्ड लगा दिया कि अभिभावक जहां से चाहे वहां से किताबें खरीद ले, और मैं जहां तक समझता हूं बनारस के अच्छे स्कूलों में, क्योंकि बात बनारस की हो रही है, ये बोर्ड लगे हुए हैं, तो स्कूल कहां तक दोषी है? आप किसी भी सड़क पे जाएं, किसी दुकानदार से कहीं से किताब खरीद लें, ये कमीशन कमीशन की बातें क्यों आ रही है स्कूल के ऊपर? अगर मैंने कह दिया कि आप कहीं से जाके किताब खरीद लीजिए, मेरा बोर्ड लगा हुआ है, तो आप जाइए कहीं से खरीदिए। अगर आपको गदौलिया पे किताब सस्ती मिल रही है तो आप जाएं, उससे सस्ती मैदागिन मिल रही है, आप वहां जाएं। इसमें स्कूल की जिम्मेवारी क्या है? और अगर आप ये कहते हैं कि स्कूल फिर भी कमीशन ले रहा है, तो ये तो देखिए कौवा कान ले गया, हो सकता है कुछ ले भी रहे उन लोग, हम किसी का डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर की बात है। इसको मैं कोई खुफिया, मेरे पास एजेंसी नहीं है कि कौन सा स्कूल ऐसा है जो कि बुला के किसी से ले रहा है। आप स्पेसिफिक स्कूल का नाम लो ना, आप हेडिंग डाल दो कि लूट रहे हैं, कौन सी डकैती की है स्कूलों ने, आपको शिक्षा दी है देते। मधोक साहब, आपकी फीस देने के लिए किसी अभिभावक को आपत्ति नहीं है, फीस देने में कोई अभिभावक नहीं पीछे हटता है, लेकिन उसकी जो जो चीजें मीडिया में आ रही हैं, आपने भी देखा होगा पूरी मीडिया, किसी पे कोई आरोप हो, स्पेसिफिक आरोप हो, आप नाम से छापिए, कोई उनका डिफेंड नहीं करेंगे, हम नहीं डिफेंड करेंगे उनको, हमने पहले ही बताया हुआ। लेकिन अगर आप सबको लुटेरा, अच्छा मधोक साहब इस चीज का स्वीकार करते हैं? आप सबसे मीडिया यहाँ पे है, मधोक साहब एक चीज स्वीकार आप करते हैं, एक विद्यालय की मान्यता लेके 6-7 विद्यालय शहर में चल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं इस बारे में? गलत है, अगर कोई अब फार्म भरने का करोड़ों रुपए ले रहे हैं साल का, ये गलत नहीं है? आपके सामने समस्त मीडिया के माध्यम से आज ये अनाउंस करना चाह रहे हैं, पूर्वांचल संघ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि पूर्वांचल स्कूल संघ उन लोगों का साथ नहीं देगा। अगर हमारे बीच में वो लोग हैं, मैं उनका साथ नहीं दूंगा। वो तो आपके पदाधिकारी भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, इमीडिएटली उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। कोई अगर ट्रैफिक रूल ब्रेक कर रहा है तो पुलिस संस्था जिम्मेवार नहीं है, वो व्यक्ति जिम्मेवार है जो करता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम लोगों में से कोई आदमी कोई गलती कर रहा है, एक ब्रांच की जगह चार्ज कर रहा है, DIOS क्या कर रहे हैं, BSA क्या कर रहे हैं, 110 CBSE स्कूल खोले और 500 करोड़ का हमारा टर्नओवर है, हम गलती कर रहे हैं? आप अपनी फीस के मुताबिक जगह पे जाए, लेकिन मुझे लुटेरा कहने का खुलेआम हक नहीं है। प्रेस वार्ता में पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक के साथ सचिव डॉक्टर हरिओम सिंह, जगदीप मधोक, मुकुल पांडे तथा NISA के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा के साथ डॉक्टर अमित चंद उपस्थित रहे। क्राउन टाइम्स की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें।